पे कमीशन सोध के लागू किया जाए। सरकार ने कैप्टन साहब की अगुवाई बहुत ड्रामे कर ले, कुछ भी मुलाजमान के पले नहीं पिया, वड्डे वड्डे बयान देते। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने बड़े वड्डे बयान देते, पर उन्होंने बयान का असर अज तक कुछ नहीं हुआ। उदे नाल नाल पुरानी पेंशन का मुद्दा, आप तो यह लीडर एक दिन भी एम एल ए रह जाए, एम पी रह जाए तो उम्र पेंशन के हकदार ने, जो सा मुलाजम वर्ग है वह 30 से 35 साल की नौकरी करता है पर पेंशन का हकदारी है नहीं। जेकर उन्होंने एन पी एस न्यू पेंशन सिस्टम के नाम के अधीन पेंशन लगती है तो तुम हैरान होवोगे कि हरियाणे बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपया, तो एक सरकारी मुलाजम नौकरी करने तो बाद महज 1300 रुपया पेंशन लै रहा है, जिहड़ा कि साडा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उदे नाल नाल कच्चे मुलाजमन पक्के करने के लिए बहुत सारे साडे मुलाजम ने जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते लगे हुए ने और महज 10000 दे विच पिछले 10 सालों तो लगे हुए, ये 3 मुख मंगा लैके अज असी इत्थे आए। तुहानू हुण अंदर कोठी च बुलाया सीगा, की गल बात हुई? वार साहब दे नाल साडी मीटिंग हुई है, सुरजीत सिंह जी उत्थे सीगे, जिहड़े इहनां दे डायरैक्टर भी ने पंजाब सरकार दे विच, उहनां दे नाल साडी गलबात हुई है। उहनां ने मंत्री साहब नूं फोन कीता ते शुक्रवार नूं सवेरे 10 बजे उहनां दे जलंधर वाले रेजिडेंस दे विच सानूं मीटिंग दा समां दित्ता। एक गल असी अंदर बड़ी स्पष्ट शब्दां च कही है ते बाहर आके भी कही है कि जेकर इहनां मंगां नूं पूर ना पाया तो आने वाले समय के असी इस कोठी के बाहर धरने लगातार जारी रखांगे ते मंत्री साहब के दरवाजे के बाहर 24 घंटे पुलिस के बैरीकेड इसी तरह ही लगे रहेंगे। पक्के धरने इस तरह लगेंगे जो मंगा नहीं मानते तो अगली पक्का मोर्चा असं बठे मोरिंडे के शुरू कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी जी के घर के बाद 16 तरीक न मुलाजम के पेंशनर्स इकट्ठे हो रहे हैं, उस तो बाद पक्का मोर्चा शुरू हो जा रहा दिन रात। धन्यवाद।